तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रयोग संहरि कै नमः त्रयोग संहरि जय जिनेन्द्र। चैडाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बाल भावनाओं की चर्चा हम कर रहे हैं, लोक भावना की चर्चा हमने अब तक की, अब हम चर्चा करेंगे बोधि दुर्लभ भावना की। लोक भावना में हमने समझा कि ये जीव लोक में भ्रमण कर रहा है बिना सम्यक ज्ञान के। अब हम समझेंगे कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है। चर्चा को मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो वर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो वायरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सर्वसाऊणम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समाइके। बोलो महावीर भगवान की जय। लोक भावना के बाद बोधि दुर्लभ भावना का क्रम आता है। लोक के माध्यम से हमने ये समझा कि इस लोक में जीव घूम रहा है। क्या है उसके घूमने का कारण, क्यों घूम रहा है? तो उसके घूमने का कारण है मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति इस जीव को अब तक नहीं हुई, इसलिए जीव घूम रहा है। और अब बोधि दुर्लभ भावना में उसी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति को अत्यंत दुर्लभ बताते हुए उसकी प्राप्ति की प्रेरणा दी जा रही है। ये बताया जा रहा है कि संसार में सब कुछ सुलभ है, यदि कुछ दुर्लभ है तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति है। इस संसार में राज्य पाठ प्राप्त करना, पांच इंद्रिय के विषय भोग प्राप्त कर लेना, सोना, पत्नी, जमीन, जायदाद, राज्य सुख, ये सब प्राप्त कर लेना सुलभ है। अनंत बार इस जीव ने प्राप्त कर करके झूठन के समान छोड़े। यदि कुछ प्राप्त नहीं हुआ है इस जीव को तो एकमात्र सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, जिसके कारण यह जीव संसार में घूम रहा है, विद्यमान है। यदि कोई संसार में घूम रहा है, विद्यमान है, तो इसका मतलब ही यह है कि वह जीव बोधि की प्राप्ति किए बिना है। इस प्रकार से बोधि दुर्लभ भावना में अनेक प्रकार से बोधि की दुर्लभता का बोध कराना प्रयोजन है। यदि भूधरदास जी के शब्दों में देखें तो वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। धन कन कंचन राज्य सुख, धन स्त्री सोना राज्य सुख, ये सब सुलभ है, दुर्लभ है संसार में। संसार में यदि कोई दुर्लभ वस्तु है तो यथार्थ ज्ञान, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। यदि जीव को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो तो यह कहीं भी रहे दुखी रहेगा, और यदि ज्ञान सच्चा है तो जीव कहीं भी रहे सुखी रहेगा। और यह सच्चे ज्ञान की प्राप्ति ही दुर्लभ है। वैसे भी इस जीव ने धन कन कंचन तो अनंत बार पंच परावर्तन के अंदर प्राप्त किए हैं। इस जीव ने अनंत पुद्गलों को अनंत बार ग्रहण किया, अनंत इसके माँ बाप बने, अनंत रिश्तेदार बने, संसार में सभी जीवों को लगभग एक न एक बार इसने रिश्तेदार अवश्य बनाया है। सब नाते रिश्तेदार इसके बन चुके हैं। इस प्रकार से ये सब चीजें सुलभ है।
परिवार की, पुत्र की, कुटुंब की वृद्धि होना, रुपया पैसा की वृद्धि होना, सांसारिक सुख की वृद्धि होना, पांच इंद्रिय के विषय भोग मिलना, ये संसार में बहुत सुलभ है। अनंते बार हर एक जीव ने अनंते बार प्राप्त किए। एक बार भी यदि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती तो इस जीव का संसार परिभ्रमण नष्ट हो जाता, और यह सम्यक ज्ञान की प्राप्ति ही सबसे दुर्लभ वस्तु है इस संसार में। चिंतामणि रत्न, कल्प वृक्ष, काम धेनु, ये सब वस्तुएं सम्यक ज्ञान के सामने अत्यंत तुच्छ है, क्योंकि ये सब होने पर भी सम्यक ज्ञान के बिना जीव दुख भोगता है, और ये सब नहीं भी हो और सम्यक ज्ञान हो तो जीव सुखी। तीन काल तीन लोक में आज तक जीव जितने सिद्ध हुए हैं वे सब सम्यक ज्ञान के प्रभाव से हुए हैं। इसलिए सम्यक ज्ञान की दुर्लभता का बताना यह यहाँ पर बोधि दुर्लभ भावना में प्रयोजन है। और न केवल सम्यक ज्ञान अपितु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चैत्र, रत्नत्रय की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है इस संसार में। मात्र 700 करोड़ सम्यक दृष्टि है मनुष्यों में, अधिक से अधिक सम्यक दृष्टि मात्र 700 करोड़ है। 29 अंक प्रमाण मनुष्यों में मात्र 700 करोड़ ही सम्यक दृष्टि मिलेंगे। यदि आप अनुपात लगाएंगे तो आप पाएंगे 10 लाख कोड़ा कोड़ी मनुष्यों में एक सम्यक दृष्टि की प्राप्ति होगी। इस प्रकार प्रधानमंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना, ये सब पद तो सुलभ है, लेकिन सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चैत्रवंत होना इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है। और जिन संयोगों में हमें इस रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति के जो साधन हैं, उन एक एक साधनों की प्राप्ति होना भी दुर्लभ है। रत्नत्रय तो बहुत दूर की बात है, रत्नत्रय जिस संगी पर्याय में प्राप्त होता है वो संगी पर्याय की प्राप्ति होना दुर्लभ है। संगी पर्याय के पहले त्रस पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है, त्रस पर्याय के पहले निगोद से स्थावर बनना दुर्लभ है। इसलिए मंगत राय जी ने कहा, दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रस गति पानी, अर्थात निगोद से स्थावर बनना अनंत दुर्लभ है। अक्षय अनंत जीव ऐसे हैं जो नित्य निगोद में जन्म मरण कर रहे हैं, और वे कभी नित्य निगोद से बाहर निकलेंगे ही नहीं। ऐसे अनंतानंत निगोदिया जीव हैं जो न निगोद से निकले हैं न निगोद से निकलेंगे, निगोद में ही जन्म मरण करते रहेंगे। इस संसार में जितने जीव हैं उन जीवों का यदि अनंत भाग करे तो एक भाग ही मात्र सिद्ध बनेगा, बाकी अनंत बहुभाग तो संसार में चार गति में घूमेगा, यहाँ तक कि अनंत बहुभाग निगोद से भी बाहर नहीं निकलेगा। आप देख सकते हैं कि निगोद से बाहर निकलना भी कितना दुर्लभ है। दुर्लभ है निगोद से थावर, और कैसे आगे आगे के पदों को प्राप्त करना दुर्लभ है, इसको हम एक अल्पविराम के बाद समझेंगे। जय जिनेन्द्र। छहडाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। हमने अब तक ये समझा कि निगोद से स्थावर बनना कितना दुर्लभ है। अनंतानंत जीव ऐसे हैं जो आज तक निगोद से निकले नहीं हैं और निकलेंगे भी नहीं। तो निगोद से बाहर निकलना अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति की पर्याय प्राप्त करना अनंत दुर्लभ है। कदाचित जिस जीव ने वो पर्याय भी प्राप्त की और पुनः निगोद में चले जाए। इस प्रकार एकेंद्री पर्याय में असंख्यात पुद्गल परावर्तन अर्थात अनंत सागर तक परिभ्रमण कर सकता है। निगोद से बाहर निकलकर स्थावर पर्याय होना, और स्थावर पर्याय से भी निकलकर त्रस पर्याय की प्राप्ति और दुर्लभ है। दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रस गति पानी, त्रस पर्याय की प्राप्ति होना अर्थात दो इंद्री आदि पर्यायों की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है। जिस प्रकार से बालू रेत के अंदर यदि हमारी अंगूठी गिर गई हो, रेगिस्तान में यदि किसी की अंगूठी गिर जाए और वह दूर चले जाए और पुनः जाके रेगिस्तान में अंगूठी खोजे, तो वह अंगूठी मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। वास्तव में एक बार अंगूठी भी मिल सकती है,
लेकिन उससे भी ज़्यादा दुर्लभ एक बार गई हुई त्रस्पर्याय की पुनः प्राप्ति होना। इस प्रकार स्थावर भी हुए, लेकिन स्थावर के बाद में त्रस्पर्याय की प्राप्ति बहुत दुर्लभता से हमें मिली। त्रस्पर्याय भी प्राप्त हुए हम, त्रस्पर्याय भी मिली, लेकिन त्रस्पर्याय में दो इंद्रिय पर्याय प्राप्त करके फिर हम एक इंद्रिय बन गए, अथवा तीन इंद्रिय पर्याय प्राप्त की फिर एक इंद्रिय बन गए, चार इंद्रिय पर्याय प्राप्त की फिर एक इंद्रिय बन गए। इस प्रकार त्रस्पर्याय में भी हमें पाँच इंद्रियों की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त होती है, क्योंकि दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीवों की संख्या बहुत है। पंचेंद्रियों में, त्रियंचों में पंचेंद्रियों की संख्या कम है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय ज़्यादा है। चारों गतियों में भी यदि हम देखें तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव पंचेंद्रियों की अपेक्षा काफ़ी है। इसलिए पंचेंद्रिय पर्याय की प्राप्ति होना दुर्लभ। पंचेंद्रिय भी हुए तो उसमें असंगी पर्याय की बहुलता है, संगी होना दुर्लभ। संगी भी हो गए तो हम कभी हिंसक पशु हुए, कभी निर्बल पशु हुए, कभी पशु पर्याय के बाद में कभी कदाचित हमको अन्य पर्याय भी मिली तो नरक पर्याय मिली अथवा देव पर्याय मिली। कदाचित हमें मनुष्य पर्याय भी मिली, लेकिन मनुष्य पर्याय में म्लेच्छखंड में जन्म लिया। कदाचित आर्यखंड में भी जन्म हुआ तो आर्यखंड में अमेरिका, जापान, यूरोप के देशों में जन्म हुआ जहाँ धर्म का कोई संस्कार नहीं है। कदाचित इसको आर्यखंड में भारत देश में भी जन्म मिला, लेकिन देश में जन्म मिलने के बाद में शरीर की इंद्रियां पूरी नहीं मिली, आँख से सुनने की, आँख से देखने की सामर्थ्य नहीं मिली, कान से सुनने की सामर्थ्य नहीं मिली, तो मनुष्य पर्याय ऐसी चली गई, अथवा गर्भ में आकर मृत्यु हो गई, अथवा बड़ा भी हुआ तो रोगी हुआ, अथवा और यदि देखें तो निरोगी भी हुआ लेकिन आयु अधिक नहीं मिली। आयु भी अधिक मिली, इंद्रियां भी अच्छी हो गई, लेकिन आजीविका नहीं मिली। आजीविका भी मिल गई तो संगति अच्छी नहीं मिली। संगति भी अच्छी मिल गई तो धर्म सुनने की रुचि स्वयं को उत्पन्न नहीं हुई। धर्म सुनने की भी रुचि हो गई लेकिन सच्चे धर्म सुनने का अवसर मिलना दुर्लभ है। सच्चा धर्म भी सुनने को मिला तो धर्म को धारण करना दुर्लभ है। धर्म को धारण किया, धर्म को धारण करने वाले जीव अत्यंत विरले हैं। अर्थात यहाँ इन सब चीज़ों की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है। एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस प्रकार उत्तरोत्तर इन सब सामग्रियों का प्राप्त होना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ कहते हैं कि हे जीव, तुझे आज तेरे भाग्य के उदय से इन सब चीज़ों की प्राप्ति हो गई, अब तू यह अवसर मत चूक। यहाँ तक तो तू आ ही गया है, अर्थात तेरे भाग्य से तुझे मनुष्य पर्याय मिली, उत्तम देश मिला, अच्छी अच्छा कुल मिला। अन्य कुल में जन्म लेता, जैन कुल में जन्म नहीं लेता तो जिन धर्म की वाणी सुनने का अवसर नहीं प्राप्त होता, जिन कुल मिला, जिन वाणी सुनने का सौभाग्य मिला। अब मात्र तुझे रत्नत्रय प्रकट करना है। अब वास्तव में यदि कोई कमी है तो तेरे पुरुषार्थ की कमी है। तेरे पुण्य के उदय ने तुझे सब कुछ प्राप्त करा दिया है। अब केवल तेरे ही एक पुरुषार्थ की कमी है, इसलिए तू पुरुषार्थ में जुट जा और इस बोधि को प्राप्त कर ले, रत्नत्रय को प्राप्त कर ले। यह रत्नत्रय प्राप्त करने का ये जो अवसर मिला है, यह अवसर पुनः मिलना कठिन है। बोधि की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि यह बोधि जिन संयोगों में प्राप्त होती है, अर्थात उत्तम देश, कुल, मनुष्य पर्याय, संगीपना, इन सब कारणों के मिलने पर बोधि की प्राप्ति होती है, और इन सब कारणों का पुनः मिलना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए इस अवसर को ऐसे ही गंवा देना समझदारी का काम नहीं है। यदि अवसर चूक गया तो भौ-भौ पछताएगा। पुनः यह मनुष्य पर्याय प्राप्त होना अनंत काल में दुर्लभ है। एक बारह भावना की पंक्ति मुझे याद आती है। उस पंक्ति में लिखा है कवि ने कि जो कूप निर्तला से ऊपर कोई चढ़े, गर हुई कोई भूल तो पुनः गिर पड़े। अर्थात जिस प्रकार कुएं के तल से कोई मेंढक बाहर निकलना चाहे और वह अपनी यात्रा प्रारंभ करे, और यात्रा प्रारंभ करते करते कुएं की मुंडेर तक आ जाए, बड़ी मेहनत करते 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 कुएं की मुंडेर पे आ जाए, और अब वो मुंडेर पे आने पे यदि जरा सी चूक करेगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, वापिस कुएं के तल में। ठीक उसी प्रकार हे जीव, तूने धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली। मनुष्य पर्याय में सारी सामग्री जो सम्यक दर्शन के लिए चाहिए वो तूने प्राप्त कर ली। अब जरा सा और पुरुषार्थ करना है। यदि तू जरा सा पुरुषार्थ करेगा तो तू इस संसार से बाहर निकल जाएगा। जिस प्रकार से वो मेंढक यदि जरा सा पुरुषार्थ करे तो उस कुएं की मुंडेर से बाहर छलांग लगाकर
कुएं से हमेशा के लिए बाहर हो सकता है और यदि चूक करेगा तो पुनः कुएं में गिर पड़ेगा। जो कूप निर्तला से ऊपर कोई चढ़े, कुएं के जल के तल से यदि कोई ऊपर चढ़े और गल हुई कोई भूल तो पुनः गिर पड़े। त्यों तुम निगोद से चलकर आ गए यहाँ, अब होश में आओ प्रभु भटक रहे कहाँ। अर्थात हे जीव, तू भी निगोद से चलकर अब यहाँ तक आ गया, अब तू कहाँ भटक रहा है। अर्थात तू सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का पुरुषार्थ कर। यह मनुष्य पर्याय और यह उत्तम देश, उत्तम सामग्री, यह वापिस से मिलने वाली नहीं है। इस प्रकार बोधि दुर्लभ भावना में अनेक प्रकार से बोधि की दुर्लभता का बोध कराया जाता है। इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए बोधि की प्राप्ति का उपदेश दिया जाता है। इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता तभी है जब हमने इस पर्याय में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की। यदि हमने इस पर्याय में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं की तो यह मनुष्य पर्याय पुनः मिलना लगभग असंभव है। दुर्लभ है निगोस से थावर अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए देवतागण तरसते हैं और इस जीव को यह मनुष्य पर्याय अपने पुण्य के उदय से मिल गई है। कोई पूर्व काल में इसने विशुद्धि की, अच्छे भाव किए, जिन अच्छे भाव के फलस्वरूप आज इसे मनुष्य पर्याय मिली है। और अब इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता इसी बात में है कि यह यहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले। उत्तम देश, संगति, दुर्लभ श्रावक कुल पाना, यहाँ तक तो हम आ गए। उत्तम देश, उत्तम कुल और सुसंगति, यहाँ तक तो हमने प्राप्त कर ली, लेकिन अब आगे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करने में ही इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। एक अल्प विराम के बाद हम पुनः देखेंगे किस प्रकार से हमारी सार्थक होगी यह मनुष्य पर्याय। जय जिनेन्द्र। बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा हम कर रहे हैं। हमने अब तक ये समझा है कि बोधि की प्राप्ति अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है। मंगत राय जी की भावना के माध्यम से हम चर्चा कर रहे थे और हमने बात की थी कि मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना दुर्लभ है। जिस मनुष्य पर्याय को देवता लोग भी तरसते हैं ऐसी मनुष्य पर्याय प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय में भी उत्तम देश मिलना, उत्तम देश, सुसंगति मिलना, श्रावक कुल का पाना, ये दुर्लभ है। और उससे भी दुर्लभ यदि कोई है तो दुर्लभ सम्यक अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना दुर्लभ है। और उससे क्या दुर्लभ है? दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम। सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो जाए लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद में देश संयम की प्राप्ति होना, पंचम गुणस्थान की प्राप्ति होना और दुर्लभ। पंचम गुणस्थान की भी प्राप्ति हो जाए और उससे आगे क्या दुर्लभ है? दुर्लभ रत्नत्रय आराधन दीक्षा का धरना, रत्नत्रय की आराधना करना, दीक्षा का धारण करना, मुनि दीक्षा का धारण करना, ये और दुर्लभ है। ये उत्तरोत्तर सब दुर्लभ दुर्लभ है। दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन, दीक्षा भी धारण की और मुनिवर मुनिराज के व्रत का पालन करना, शुद्ध भाव करना, ये और दुर्लभ है। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे। इन सबसे भी दुर्लभ कोई चीज़ है तो बोधि ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है। पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में आवे। एक बार यह जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो फिर कभी संसार में वापिस लौटता नहीं। इस प्रकार हमने बोधि की दुर्लभता को समझा। हम देखते हैं दौलत राम जी इस बोधि दुर्लभ भावना के लिए क्या कहते हैं। अंतिम ग्रीवक लोकी हद पायो अनंत वीरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लादो दुर्लभ निज में मुनि साधो। भावार्थ, इस जीव ने अंतिम अर्थात नौवे क्रेवेयक तक जाकर अनंत बार अहमिंद्र पद पाया पर सम्यक ज्ञान इसे प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे दुर्लभता से प्राप्त होने वाले सम्यक ज्ञान का मुनि जनों ने ही आत्मा में साधन किया है, ऐसा चिंतन करना बोधि दुर्लभ भावना है। अंतिम ग्रीवक लोक की हद अर्थात जिस प्रकार दिए की अंतिम लोक की हद होती है, दिए की लोक की जो अंतिम हद होती है, उसी प्रकार जो अंतिम ग्रेवेक है, नौवा ग्रेवेक, वह भी इस जीव ने अनंत बार प्राप्त किया। अंतिम ग्रीवक लोक की हद, जिस प्रकार से लोक की हद होती है, दिए की लोक की जो हद होती है, अंतिम स्थान होता है, उसी प्रकार जो अंतिम ग्रेवेक है वह भी जीव ने अनंत बार प्राप्त किया।
और वह ग्रेवेक पद बिना मुनिराज के व्रत धारण किए नहीं मिलता, बिना मुनि दीक्षा धारण किए, बिना पंच महाव्रत अंगीकार किए ग्रेवेक में कोई जीव नहीं जाता। ग्रेवेक वे ही जीव जाते हैं जो मुनिराज होते हैं, मुनिराज के अलावा अन्य किसी को ग्रेवेक का पद नहीं मिलता। तो यह अनंत बार मुनि बना, मुनि वर के अनंत बार ग्रेवेक में भी उत्पन्न हुआ, परंतु सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं की और इसीलिए संसार में ही भटकता रहा। अंतिम ग्रीवक लोकी हद पायो अनंत विर्यापद, अनंत बार इस जीव ने ग्रेवेक के अंदर उत्पन्न होकर अनंत बार अहमिंद्र के पद प्राप्त किए, पर सम्यक ज्ञान लादो, परंतु सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं की, इसलिए इस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। धन्य है वे मुनिराज जिन्होंने सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया है। दुर्लभ निज में मुनि साधो, वे मुनिराज धन्य है जिन्होंने अपने में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की। अर्थात मुनि बनना सुलभ है, मुनि बनने के बाद सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना दुर्लभ है। पंच महाव्रतों का आचरण किया इस जीव ने, 28 मूलगुणों का पालन किया, निर्दोष रीति से धर्म की आराधना की, परंतु सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने के कारण यह जीव संसार में ही परिभ्रमण करता रहा। इसलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अनंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, इस बात को यहाँ दौलत राम जी कह रहे हैं। प्रश्न उठता है कि यदि यह इतना दुर्लभ है तो हमें तो प्राप्त कैसे होगी? हमने तो मुनिव्रत के भी व्रत धारण नहीं किए, हमने तो श्रावक के भी व्रत धारण नहीं किए, तो इसका मतलब तो यह है कि ये सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हमारे लिए तो बहुत कठिन है। जब इतना इतना हमने पुरुषार्थ किया तब नहीं हुई तो अब कैसे होगी? तो यह जीव जब बोधि दुर्लभता की भावना को सुनता है तो हतोत्साहित हो जाता है और यह मानने लगता है कि मेरे को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है। तो उसको बोधि दुर्लभ भावना को सुलभ भी बताया जाता है। अर्थात जब जीव बोधि की प्राप्ति की भावना छोड़ देता है, बोधि को दुर्लभ जानकर बोधि की प्राप्ति में हतोत्साहित होने लगता है, जब उसका उत्साह कम पड़ने लगता है, उसे बोधि की प्राप्ति असंभव सी लगने लगती है, तब उसका बोधि का दूसरा पक्ष प्रस्तुत किया जाता है कि भाई बोधि दुर्लभ नहीं है, बोधि तो सुलभ है, सम्यक ज्ञान तो सुलभ है, सम्यक ज्ञान दुर्लभ कैसे हो सकता है? सम्यक ज्ञान किसका नाम है? क्या सम्यक ज्ञान बाहर से कहीं लाना है? सम्यक ज्ञान तो आत्मा की खुद की निजी संपत्ति है, निज की पूंजी है, जिसको जयचंद जी छाबड़ा जी ने इस प्रकार व्यक्त किया है, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाय, भाव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहाय। बोधि आपका भाव है, सम्यक ज्ञान ज्ञान तो निज आत्मा का स्वभाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं, वास्तव में दुर्लभ नहीं, अपनी चीज कभी दुर्लभ हो सकती है? जो चीज अपनी है वह तो अपने पास है, सबसे सुलभ है, इसलिए निश्चय से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। हाँ, भव में उसकी प्राप्ति होना यद्यपि कठिन है, इस अपेक्षा से वह दुर्लभ कही जाती है, लेकिन वास्तव में अपनी चीज सुलभ है, पर वस्तु की प्राप्ति कठिन है, इस अपेक्षा से धन कन कंचन की प्राप्ति होना दुर्लभ है, और अपनी सम्यक ज्ञान की, चूंकि ज्ञान अपना स्वभाव है इसलिए उसकी प्राप्ति होना सुलभ है। लोग कहते हैं ये आप क्या बात करते हो, कभी कहते हो सम्यक ज्ञान दुर्लभ है, कभी कहते हो सम्यक ज्ञान सुलभ है, दुर्लभ है कि सुलभ है एक बात करो आप। तो यदि ये अंगूठी है, समझ लीजिए इस अंगूठी को हम निकाल के अपने हाथ में रख के और भूल जाएं, और अब इस अंगूठी को दुनिया में खोजें, तो बताओ अंगूठी की प्राप्ति सुलभ है कि दुर्लभ है? एक अपेक्षा से अंगूठी की प्राप्ति बहुत सुलभ है, क्यों? क्योंकि अंगूठी कहीं नहीं गई है, अंगूठी अपने हाथ में ही है, और एक अपेक्षा से अंगूठी की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, क्यों? क्योंकि ये जीव पूरी दुनिया में खोज रहा है और दुनिया में अंगूठी है नहीं, इसलिए इसको कभी अंगूठी मिलने वाली नहीं। तो अंगूठी अपने हाथ में रख के भूलने वाला आदमी अंगूठी को प्राप्त कर सकता है, सुलभ है यदि याद आ जाए तो कि ये यही है, और अन्यथा यदि उसको ज्ञान में नहीं आए कि अंगूठी कहाँ है तो उस अपेक्षा से दुर्लभ है। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान आत्मा का निज भाव है, यदि ये जीव अपने निज भाव की प्राप्ति का उपाय करे तो सुलभ है, और अपने आत्म स्वभाव को भूलकर पूरी दुनिया में इधर उधर खोजना चाहे और चाहे कि मैं सुखी हो जाऊं
तो यह जीव को बोधि की प्राप्ति होना दुर्लभ है। इस बोधि दुर्लभ भावना में चार प्रकार से बोधि की दुर्लभता को परिभाषित किया है। जब यह जीव पंचेंद्रिय के विषयों में अनुरक्त होता है तो कहा जाता है कि पंचेंद्रिय के विषय प्राप्त होना सुलभ है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना दुर्लभ है। जब जीव सम्यक ज्ञान की दुर्लभता की प्राप्ति सुनता है तो फिर उसमें उत्साहवंत होता है, लेकिन जब उसमें उत्साहवंत होने के बाद में जब वो भी उसको असंभव सी लगने लगती है तो कहा जाता है कि भाई सम्यक ज्ञान निज आत्मा का स्वभाव है, इसलिए एक अपेक्षा से वो दुर्लभ नहीं है। जो जीव पुरुषार्थ करता है उसको अवश्य ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ, इतना अवश्य है कि ये जो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो अवसर तुझे मिले हैं इन अवसरों की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है, यह अवसर चूकने जैसा नहीं है। इस अवसर का उपाय करके जो जीव सम्यक ज्ञान प्राप्त करेंगे वे जीव अवश्य धर्म की प्राप्ति करके मोक्ष पद पर आरूढ़ हो जाएंगे। ऐसा मोक्ष पद हम सबको मिले, इस भावना से अपनी बात आज हम यहाँ समाप्त करते हैं। कल हम चर्चा करेंगे धर्म भावना की। तब तक के लिए आप सभी देखिए जिनवाणी चैनल। पाठशाला सार, धन, सोना, स्त्री, राज्य पद आदि प्राप्त करना सुलभ है, परंतु सम्यक ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। प्रथम तो निगोद से बाहर निकलना ही आसान नहीं है, उसमें भी त्रस गति, मनुष्य पर्याय, उत्तम देश, उत्तम कुल, सुसंगति एवं जिनवाणी सुनना तो अत्यंत ही दुर्लभ है। अतः हमें रत्न त्रय की प्राप्ति कर इस अति दुर्लभ मनुष्य पर्याय को सार्थक करना चाहिए।